गांव में बनी 50 साल पुरानी पुलिया का नवीन निर्माण ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। पुलिया का निर्माण काम होने और बारिश के चलते पानी ओवरफ्लो होकर ग्रामीणों के घर में घुस रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी व्याप्त है। यह पूरा मामला भीमपुर भैंसदेही मार्ग स्थित ग्राम नांदा का है, जहां 50 साल पुरानी पुलिया का निर्माण किया गया, जो अब ग्रामीणों के लिए परेशानी खड़ी करती हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 50 साल से उनके घर के पास यह पुलिया बनी थी, उस वक्त ना तो पानी घर में घुसा और ना ही कोई परेशानी आई, लेकिन भैंसदेही भीमपुर रोड निर्माण के काम में ठेकेदार ने आवश्यकता नहीं होने के बाद भी नवीन पुलिया का निर्माण कर दिया। अब बारिश के चलते पानी ओवरफ्लो होकर उनके घरों में घुस रहा है। नाराज ग्रामीणों ने वर्तमान में काम कर रहे केसीसी कंपनी ठेकेदार के लोगों को शिकायत की। उन्होंने जेसीबी की सहायता से पुलिया के एक पाइप तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बारिश के कारण समस्या बरकरार है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उन्हें या घर को कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। क्या हुआ भैया? आज बारिश में 50 साल पुराना पुल बना था, वो पुल में आज तक हमारे घर पे पानी नहीं घुसा, मगर आज जो बारिश हुई है वो बारिश से मेरे घर में, आनंद राव के घर में, सुरेश के घर में, तुलसी के घर में और राजेश के घर में पानी घुस चुका है। ये पुलिया से, पुलिया जब निर्माण हो रही थी उस टाइम हमने पुलिया के कर्मचारी जो भी काम कर रहे थे उनको बोला है कि पुलिया सीधी न डाल के जैसी पहले थी वैसी डाली जाए, मगर उनने हम लोगों की नहीं सुनी, उनकी मरमर्जी का काम करा। अगर इसमें हमारा मकान गिरता है या कुछ होता है हमारे को तो इसका जवाबदार ठेकेदार रहेगा ये रोड का। आपको कुछ नुकसान हुआ? नुकसान, हमारे बर्तन बह गए, दो गुंडी यहाँ बह के आ गई घर की, चूल्हा जलाने लायक नहीं, हम लकड़ी पे खाना पकाते हैं तो हमने दूसरे के घर से खाना पका के बुलाए। राजेश के घर में बहुत पानी घुस गया, करीब 4 फीट पानी। तुलसी के घर में भी, आनंद राव के घर में भी आज तक नहीं, मगर आज घुसा पानी। तो ये पुलिया, हम सोच रहे कि ये पुलिया अगर हमारे हिसाब से बन जाती तो आज हमको इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। क्या चाह रहा है? इसको सुधारना चाह रहा है? इसको सुधारना चाह रहे हैं हम, फिर से बनवाना चाह रहे हैं इसको। हाँ, फिर इसको फिर से भी अगर जैसा भी फिर से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये इधर का एक पाइप निकाल दिया जाए और इधर इनके दीवार पे एक वाल लगा दिया जाए, और मतलब पब्लिक में जो पब्लिक की जो सुविधा है वो सुविधा के हिसाब से काम किया जाए। हम किसी को अटैक नहीं कर रहे हैं, मगर हमारा नुकसान ना हो और उनका भी नुकसान ना हो। अगर हमारा नुकसान होता है तो इसका जवाबदार ठेकेदार रहेगा भाई, रोड वाला। हम यही चाह रहे हैं। देखा जाए तो ग्रामीणों ने निर्माण के दौरान ही पुलिया बनाने वालों को पुलिया से संबंधित जरूरी जानकारी भी दी थी, लेकिन उन लोगों ने ग्रामीणों की एक बात पर भी ध्यान नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, बैतूल।